हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के साथ दो या तीन डिबेट तनिश विवाद के चलते मैंने शेयर किए थे, तो उसी बात को या उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक कदम, बहुत छोटा कदम, बेबी स्टेप लिया है। आगे आप लोगों का समर्थन मिला और सरकार से इसकी प्रतिक्रिया आने के पश्चात संभवतः मैं इसमें एक जनहित याचिका PIL भी करूंगा, लेकिन तब तक नहीं कर सकता जब तक सरकार की इसमें प्रतिक्रिया ना आ जाए या हम आपस में कुछ हमारी टीम के लोग इसमें सलाह मशवरा ना कर लें। पहले सुनिए देश के गृह मंत्री माने अमित शाह जी का बयान। अमित जी, एक और सवाल जो कि हर बार आपसे पूछता हूं और आप भी बहुत गंभीरता से जवाब भी देते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक तनिष्क का ऐड आया और जो कि बहुत ट्रोलिंग हुई तनिष्क के ऐड में, तो उसकी वजह से उसको ऐड विड्रॉ करना पड़ा टाटा को। कहीं ये सोशल हार्मनी जो है हमारे देश में, ये कुछ ढीली नहीं पड़ती जा रही है? जो सोशल हार्मनी का जो एक ढांचा था हमारे देश में, आपको लगता है कुछ लोगों की वजह से इस पर क्षति पहुँच रही है? देखिए, हमारी देश की सोशल हार्मनी को कोई इस प्रकार के छोटे मोटे हमले तोड़ नहीं सकते। इसका ताना बाना इतना मजबूत है, ढेर सारे हमले ऐसे हुए। अंग्रेजों ने भी बहुत प्रयास कर देखे, बाद में कांग्रेस ने भी बहुत प्रयास कर देखे, मगर ये टूटने वाली चीज नहीं है। मैं मानता हूँ किसी भी प्रकार का ओवर एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। तो आप इसका खंडन करते हैं, ओवर एक्टिविज्म का खंडन करते हैं? तो सुना दोस्तों आपने, एक शब्द पकड़ के चलिए, ओवर एक्टिविज्म। ओवर एक्टिविज्म ये वही ओवर चीज है जिसे महीने डेढ़ महीने से रिजवान अहमद टोक रहा था और रेड फ्लैग कर रहा था सुशांत के वक्त से लेकर तनिष्क विवाद के वक्त तक। उनके बात करने का तरीका अलग हो सकता है, मेरे बात करने का तरीका अलग हो सकता है, पर इसी चीज को मैं रेड फ्लैग कर रहा था कि गवर्नमेंट को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए जो मीडिया और सोशल मीडिया पर हो रहा है। और मुझे शुक्र है कि सरकार ने मीडिया का भी संज्ञान लिया है, कोर्ट्स ने भी संज्ञान लिया है और सोशल मीडिया का भी संज्ञान अमित शाह जी ने लिया है और इसको ओवर एक्टिविज्म का नाम दिया है। दोस्तों, एक बहुत अच्छा कानून आया था टाडा, पता है क्यों रद्द हो गया? पुलिस वालों के ओवर एक्टिविज्म के चलते। शुरू के 5 साल में 75,000 आदमी टाडा में पकड़े गए, जिसमें से 30% आदमी के खिलाफ चार्जशीट ही नहीं लगी और 1.8% उसका कन्विक्शन रेट रहा था, बाकियों की जिंदगी खराब हो गई। किसके चलते? बहुत अच्छा कानून था, आई स्टिल सपोर्ट टाडा, लेकिन ओवर एक्टिविज्म के चलते। उसके बाद पोटा आया, वो भी बंद हो गया। किसके चलते? ओवर एक्टिविज्म ऑफ पुलिस के चलते। ठीक, इसको बोलते हैं इन्फैचुएशन भी बोलते हैं, या ओवर एक्टिविज्म इज द करेक्ट वर्ड, गोइंग ओवरबोर्ड, जरूरत से ज्यादा कुछ चीज को कर देना। दोस्तों, 498A और दहेज प्रथा पर जो कानून आया था, बहुत खूबसूरत कानून था, बहुत अच्छा कानून था। इतना ओवर एक्टिविज्म किया वकीलों ने और औरतों ने, इतना ओवर एक्टिविज्म किया, इतना दुरुपयोग किया कि वो दौर अब नई नस्ल को तो याद नहीं होगा कि जहां 498A में और 3/4 डॉरी एक्ट में FIR हो गई, पूरा का पूरा खानदान जेल पहुंच जाता था। और आज वो तारीख है कि बहुएं बलात्कार तक की FIR लिखा रही हैं, लेकिन पुलिस ससुराल वालों को जेल नहीं भेज रही है, हस्बैंड तक को जेल नहीं भेज रही है, कहती है FIR तो लिख दिए, पहले जाके मीडिएशन करो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको मैट्रिमोनियल एक्सटॉर्शन का नाम दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ससुराल वालों को बेल नहीं दिया करता था। किसके मारे? ओवर एक्टिविज्म के मारे। तो यही वो ओवर एक्टिविज्म था जिसके लिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा था। और शुक्र है, जो मैंने कहा था कि अमित शाह जी को बोलना चाहिए, अमित शाह ने बोल के इस पूरे ओवर एक्टिविज्म पर, अगर आप उनको मानते और सम्मान करते हैं, पूर्ण विराम लगा दिया है। और बड़ी शर्म की बात है कि उन्होंने इस ओवर एक्टिविज्म की तुलना अंग्रेजों और कांग्रेस से की है, जो इस समाज को बांटना चाहते थे और नहीं बांट पाए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये अमित शाह जी के शब्द हैं कि ओवर एक्टिविज्म की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने और कांग्रेस ने भी यही कोशिश की थी।
तो आई थिंक द राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल। अब समझने वालों को इससे बड़ी बात नहीं मिलेगी सुनने के लिए। यही सुशांत और रिया के मैटर में हुआ था, जो मैं कभी बाद में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। मैंने सोचा इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इस पे मैंने बहुत वीडियो बनाए थे, लोगों ने बहुत सजेशन मुझे किए थे कि आप कुछ करिए, तो बिल्कुल करते हैं। तो मैंने दोस्तों आज जो लास्ट वीडियो निकाला था, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि इसमें एक स्टडी होनी चाहिए, इसमें एक वाइट पेपर आना चाहिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा असेसमेंट करना चाहिए, जिसको लव जिहाद का या मैंने सेक्स जिहाद का नाम दिया है। जब मैंने ये सोचा कि मैं गवर्नमेंट में एक रिप्रेजेंटेशन दूं और आगे जाके PIL करने का इस विषय पर माहौल बनाऊं, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, तो मैंने सब्जेक्ट को थोड़ा स्टडी किया और मुझसे ये भूल हुई कि जो मैंने तीसरा वीडियो सेक्स जिहाद के नाम से बनाया, उसमें मेरे फैक्ट सारे करेक्ट नहीं थे। सो आई कंसीड कि मेरे फैक्ट सही नहीं थे। जब मैं रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए चला और मैंने स्टडी करी, तो बहुत सी चीजें सामने आईं। मुझे और आप लोगों को सिर्फ इतना किस्सा मालूम है कि जब केरला में वो चर्चित हादिया कांड हुआ लव जिहाद को लेकर, और केरला ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने उस शादी को रिलीजन कन्वर्जन की वजह से नल एंड वॉइड कर दिया, यहां तक हम लोग को पता है। और उसके बाद वो लड़की सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी शादी को रीइंस्टेट कर दिया और लड़की को अनुमति दे दी कि जाके वो अपने पति के साथ रहे। लड़की का बयान लेने के पश्चात हम सबको एक किस्सा यहां तक मालूम है। इसीलिए सब ज्ञानी केरला हाईकोर्ट बोलते रहते हैं, वो ये नहीं बताते कि केरला हाईकोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया था। खैर, मुझे ये किस्सा यहीं तक मालूम था और इसी बेस पर मैंने अपना लास्ट वीडियो सेक्स जिहाद बनाया। मैं माफी चाहता हूं, माई फैक्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क। हुआ यह दोस्तों कि उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने NIA को हिदायत दी कि इस पर आप शोध करें, इस पर आप जांच करें कि ये लव जिहाद के जो मैटर सुनने को आ रहे हैं, ये कहां तक सत्य हैं, कहां तक ये भ्रम है। 89 मैटर्स NIA ने इसी सरकार में, इसी गवर्नमेंट में ढूंढ के निकाले इन द स्टेट ऑफ केरला। 89 माहौल क्या है, मान लो 80,000, माहौल क्या है, मान लो 9,000। 89 मैटर्स, 11 कम 100, जिसमें से प्रथम दृष्टिया 11 मामलों में NIA को संदेह लगा कि इसमें PFI का एक लिंक बैठ रहा है। उसके पश्चात NIA ने उन 11 मामलों पर भी स्टडी किया जहां हिंदू मुस्लिम की शादी हुई थी, और NIA ने पूरे 89 मैटर्स को क्लीन चिट दे दिया। ये बात है 2018 की। उसके बाद फरवरी 2020 में सवाल पूछे जाने पर भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर रेड्डी ने भारत सरकार की ओर से अभी लॉकडाउन से एक महीना पहले एक आधिकारिक बयान दिया लोकसभा में कि केंद्रीय, किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को संयोजित तरीके से एक पैटर्न के अनुकूल मुसलमान लोग हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं और उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। यू मे चेक इट। एंड लव जिहाद को गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया है। यहां तक बस मेरी बात सही थी जो मैं डिफाइन डेफिनेशन के लिए मांग कर रहा था। अब जब ये फैक्ट मेरे सामने आए, तो जो मेरा थर्ड वीडियो था वो थोड़ा फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें यही मांग मैं गवर्नमेंट से करता हुआ नजर आता हूं। पर जब उसके बाद मैं स्टडी करता हूं, तो मैं पाता हूं कि गवर्नमेंट ये स्टडी ऑलरेडी कर चुकी है और लोकसभा में एज अर्ली एज फरवरी 2020 अपना बयान दे चुकी है। क्योंकि मैं जो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन भेजना चाह रहा था, वो अपने तीसरे वीडियो के आधार पर भेजना चाह रहा था कि गवर्नमेंट इस चीज पर शोध करे और लव जिहाद को डिफाइन करे। खैर, ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर एक केस भी, जब ट्रिपल तलाक की लड़ाई हम लड़ रहे थे और मैं मीडिया में बढ़ चढ़ के ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोलता था, तो मुझसे बहुत से मौलाना बोलते थे कि कितनी ट्रिपल तलाक होती है। मैं कहता था, यार भले भारत में एक होती हो, क्यों होती है, क्यों 90 सेकंड के अंदर एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी जाती है, जब शरिया ने 90 दिन का समय दिया है। ठीक, जब कभी हलाला की बात आई,
तो उससे लोगों ने कहा कि आपको कभी हलाला का कोई केस मिला है, आप एक्टिविज्म में हैं, महिलाओं से जुड़े हुए हैं जो मुस्लिम औरतों के साथ जुड़ के सोशल एक्टिविज्म करती हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे कोई केस नहीं मिला, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं केस होते हैं, भले बहुत कम होते हों, बड़ा चढ़ा के बताए जाते हों, लोगों ने एक तकिया कलाम बना लिया हो, अरे हलाला, अरे हलाला, अरे हलाला। पर मैं कहता था अगर एक भी कहीं भारत में होता है क्यों, तो वही ऊर्जा रखते हुए गवर्नमेंट की ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद, लव जिहाद पर सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनने के बाद, दोस्तों मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लिए हिंदू औरत और मुस्लिम औरत में कोई फर्क ही नहीं है, नॉट एट ऑल। तो मैं पूछता हूं अगर भारत में कहीं एक जगह भी डरा के, धमका के, झूठ बोल के, बलगला के, गुमराह करके किसी एक हिंदू लड़की का भी शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा हो, तो पर क्यों, व्हाई आल्सो वन। मेरा यह मानना है कि अगर आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ किसी एक आदमी का भी हनन होता है तो पूरे हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर, पूरे हमारे संविधान पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है अगर उसे उसका समाधान ना मिले। तो फिर मैंने यह तय करा कि नहीं, मैं अभी भी प्रेजेंटेशन भेजूंगा, थोड़ी सी उसकी रूपरेखा बदल दूंगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से वो चीज नहीं मांग सकता जो गवर्नमेंट ऑलरेडी वर्क कर चुकी है, और मुझे गवर्नमेंट से वो चीज मांगनी है जो गवर्नमेंट जिस पर वर्क नहीं कर चुकी है, ताकि अगर मैं PIL में जाऊं तो मुझसे कोई सुप्रीम कोर्ट ना, या ऑनरेबल कोई कोर्ट या हाई कोर्ट ये ना कहे कि बड़े भाई अहमक आदमी हो, बेवकूफ आदमी हो, इसका जवाब आपके पास नहीं है, जो आप हमारे पास आ गए। तो मैंने एक 21 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्रालय को, कानून एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार को, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ को बिलोंग करता हूं, एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है जिसमें मैंने पूरी बात विस्तार से लिखी है। यह कि प्रार्थी का विनम्र निवेदन है कि सभी पहलुओं भावनाओं का सम्मान करते हुए उक्त कदम उठाए जाएं जिससे इस संवेदनशील विषय पर आरोप प्रत्यारोप वाद विवाद का दौर समाप्त हो। अब मैंने दोस्तों 5 प्रार्थनाएं केंद्र सरकार को भेजी हैं। पहली, विवाह के लिए लड़की या लड़के की न्यूनतम उम्र 18-21 वर्ष से बढ़ाकर 21-24 वर्ष कर दी जाए। इसमें बहुत से लोग आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन मैंने भी ये बात पहले बोली थी, प्रधानमंत्री जी ने 3-4 दिन बाद उसके इस चीज को एडमिट किया कि सरकार इसको एज बढ़ाती जा रही है, आजकल कंपटीशन का दौर है, 18 साल की लड़की आजकल ग्रेजुएट तक नहीं हो पाती है। हम मान सकते हैं कि वो मानसिक तौर से इतनी विकसित ना होती हो कि अपना सही या गलत अच्छी तरह फैसला ले पाए। बहुत सो को इसमें बॉटल नेक भी है कि प्री मैट्रियल सेक्स बढ़ जाएंगे, एलोपमेंट बढ़ जाएंगे, पर कुल मिला के गवर्नमेंट भी यही बात बोल रही है, तो मैंने उस बात को दोहराया है। दूसरा, अंतरम धर्म विवाह केवल स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत हो, जहां किसी भी पक्ष को विवाह हेतु धर्म परिवर्तन अनिवार्य नहीं है। नंबर 3, अंतरम धर्म विवाह जहां विवाह हेतु धर्म परिवर्तन किया जाए किसी भी पर्सनल लॉ जैसे निकाह, आर्य समाज मंदिर आदि द्वारा ना कराया जाए, ना पर्सनल लॉ के अधीन हो। कोई भी अंतर धर्म विवाह आप इमिजिएटली कन्वर्ट होके, ये नहीं कि कोई हिंदू बन गया तो जाके आर्य समाज में कर ले, कोई मुस्लिम बन गया तो निकाह कर ले, नहीं, अंतर धर्म विवाह जहां हो रहा है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में ही हो। नंबर 4, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह उपरांत किसी भी पक्ष को धर्म परिवर्तन करने की अनुमति ना हो, और यदि उल्लंघन पाया जाए तो सरकार को स्वयं प्रेरणा यानी स्वयं मोटो पक्षों पर कार्रवाई करने का अधिकार हो, कि पता चला आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की और 6 महीने बाद आप कन्वर्ट हो गए, ये नहीं हो सकता। तीसरा, यह कि दोनों पक्षों की न्यूनतम उम्र 21-24 वर्ष होने के पश्चात स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो नोटिस पीरियड होता है उसका प्रावधान रद्द हो, क्योंकि वो दोनों पक्षों के लिए एक सुरक्षा के नजरिया से खतरा हो सकता है। मान लीजिए कि लड़का लड़की ने अंतर धर्म विवाह कर रहे हैं, कोर्ट में जाके उन्होंने अप्लाई किया मैरिज एक्ट में, वहां से नोटिस परिवार के घर आ गए, पता चला कोई ऑनर किलिंग हो गई लड़की की, हो गई लड़का लड़की दोनों की हो गई, तो पूरी इस मुहिम पर एक सवालिया निशान लग जाएगा। तो ये 5 बिंदु दोस्तों मैंने लिख के ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर को एंड UP चीफ मिनिस्टर साहब को लिख के भेज दिए हैं, अपने हिसाब से जो नैतिकता के आधार पर मैंने अपना धर्म समझा। अगर मुझे यहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो 1.5-2 महीने के अंदर मैं इसी बिंदु पर PIL करने का मैंने बना लिया है। 1.5-2 महीने इस मारे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के टाइम
तीन चार हफ्ते का, पांच हफ्ते का समय गवर्नमेंट को दिया जाता है उस पर रिएक्ट करने के लिए। और जब आप पीआईएल करते हैं तो गवर्नमेंट भी आपसे, ऑनरेबल कोर्ट भी आपसे ये पूछता है कि आपने रिप्रेजेंटेशन कब दिया था। अब इसके अलावा ये वीडियो जहां तक भी पहुंचता है, जरूरी नहीं है कि गोल हम मारें और हमारी पीठ थपथपाई जाए। मैंने पास इस समाज को एक दे दिया है, अपने विवेक से पांच बिंदु बना दिए हैं, इन्हीं बिंदुओं पर काम करते हुए, थोड़े आगे पीछे अपने हिसाब से करते हुए, मेरी अधिवक्ता भाइयों से यह गुजारिश है जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, अगर उन्हें इस बात में दम लगता है, ये मानते हुए कि हिंदू मुस्लिम विवाह होते रहेंगे और उनको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि ये विवाह एक सांप्रदायिक रूप ना ले लें, विवाह सिर्फ एक विवाह बन के रहे, तो आप लोग भी प्लीज अगर इनिशिएटिव लेके इस पे पीआईएल कर सकते हैं और हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन से पहुंचे जो समाज और देश के लिए अच्छा हो, तो मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी कि मेरे पीआईएल करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचूं। हमें मतलब हमें जीतने से है, मतलब हमें समाधान निकालने से है, मुझे हीरो बनने से और समाधान निकालने से नहीं है। तो ये मैंने पॉइंट एक फ्लोट कर दिया है मार्केट में अभी से, चाहता मैं इसको रोक लेता, डेढ़ महीने बाद पीआईएल करता, फिर अपनी वाहवाह करता। कोई भी पीआईएल करे, आई विल बी मोर देन हैप्पी कि इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। और दूध का दूध पानी का पानी अगर नहीं हो पा रहा है, अगर इस तरह के मैरिजेस जहां पे धर्म परिवर्तन जानबूझ के छल करके किया गया है, अगर उसका समाधान नहीं निकालना पा रहे हैं, तो हम कोई और समाधान निकाल लें जिससे इसकी जड़ पर वार हो, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये मैंने एक कुल मिला के दोस्तों एक प्रपोजल बनाया है कि अगर एक लड़की के साथ भी ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। अब बात कुछ आती है परसेप्शन की। मुझसे लोगों ने कहा कि परसेप्शन बना दिए जाते हैं, परसेप्शन बना दिया गया था कि जब असम में एनआरसी होगी तो कम से कम 1 करोड़ मुसलमान वहां बांग्लादेश का निकलेगा। कुल मिला के वहां पे 19 लाख आदमी निकले जो वहां पर बांग्लादेश से आए हुए थे, जिसमें 15 लाख हिंदू निकले, 4.5 लाख मुस्लिम निकले। तो ये परसेप्शन होता है, परसेप्शन पार्टियां या दल अपने वोटर्स में अपने हिसाब से बना देती हैं। जैसे सीए के दौरान एक परसेप्शन बना दिया गया था कि 3-4 करोड़ मुसलमान डिटेंशन सेंटर में आने वाले 5 साल में होंगे और सारे और 3-4 करोड़ मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी। तो यह परसेप्शन, आसाम वाला परसेप्शन किसी और दल ने बनाया था अपना लाभ लेने के लिए, आपको मूर्ख बनाया था। सीए वाला परसेप्शन किन्हीं और लोगों ने बनाया किसी और को मूर्ख बनाने के लिए, खुद लाभ लेने के लिए। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं इस मामले के लिए कि ना आसाम वाला दल मुझे परसेप्शन के चक्कर में घेर पाया, ना सीए में भ्रम फैलाने वाला पक्ष मुझे अपने चक्कर में घेर पाया। आई एम अ पर्सन विद एन इंडिपेंडेंट माइंड, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी कैंपेन में किसी भी भ्रम फैलाने में नहीं आता हूं। देखना हम लोगों को यह है, हमें सरकार से फिर एक बार अपील करते हैं कि टोटल केस ऐसे जहां पर वो रिपोर्ट करे गए या जब संज्ञान में आए या परिवार ने कोई कंप्लेन करी हो, जहां पर लड़कियों को जबरन शादी के बाद झूठ बोल के वगैरह वगैरह किसी भी कारण से धर्म परिवर्तन कराया गया, इसकी टोटल क्वांटिटी बाहर आनी चाहिए। और अगर नहीं आ पा रही है किसी कारणों से और एक लड़की के साथ भी ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। तो ये सारी शादियां जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं उसके अधीन मेरे विवेक के हिसाब से होने चाहिए। किसी भी वकील, कोई भी वकील भाई इसको और बेहतर कर सके और पॉलिश कर सके तो पॉलिश करिए, अपना रिप्रेजेंटेशन भेजिए और सुप्रीम कोर्ट में, अपने हाई कोर्ट में, अपने स्टेट में इसमें पीआईएल करिए। एंड रिजल्ट ये है कि जीत हमारे समाज की होनी चाहिए, समाज में ऐसे विवाह गंध छल और शोषण का प्रतीक नहीं बनने चाहिए। जितने भी हों उनको समाज अच्छे नजरिए से देखे और वो अगर खुश रहेंगे तो समाज में अच्छा संदेश जाएगा। इसके अलावा मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि सर ऐसे में बच्चों का क्या होगा। अब देखिए हमारी सोसाइटी में प्रथम दृष्टिया तो ये नजर में आता है कि बच्चे अपने फादर का सरनेम लेंगे। अगर मुस्लिम लड़की जितनी भी वो भले 1% हो या 1% भी ना हो, हिंदू लड़कियों की तुलना में बहुत कम हो, जाहिर बात है, वो उनके बच्चे जो हिंदू लड़के से वो शादी करेंगे उसका सरनेम लेंगे, जो हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करेगी उसके बच्चे मुसलमान फादर का सरनेम लेंगे। अब सामाजिक दृष्टि से तो ये भी अजीब लगता है कि साहब क्योंकि लड़का मुस्लिम था तो बच्चे मुस्लिम हो गए लेकिन माँ हिंदू है अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई है, तो सामाजिक दृष्टि से एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लगेगा कि मैं मुस्लिम हूं लेकिन मेरी माँ हिंदू है। अगर बच्चा हम मान लें कि हिंदू हो जाए तो बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लगेगा कि यार पिता मुस्लिम है और बच्चा हिंदू है। अब ये कहना कि साहब बच्चा 18 साल के बाद जाके तय करे वो हिंदू है मुसलमान है, ये तो हो नहीं सकता।
तो अगर इतनी फाइन, इतनी माइक्रो एनालिसिस समाज को करनी है कि साहब धर्म भी ना बदले, किसी का भी ना, लड़के ना लड़की का, बच्चे किसके हों, समाज में क्या परेशानी आएगी, तो इसका मेरा कंक्लूजन ये है कि भैया ना करो शादी, ना डॉक्टर ने थोड़ी लिख के दिया है। ये वही वाली बात आ गई जो मैंने दूसरे वीडियो में कही थी, जो लोगों को पसंद नहीं आई थी। भाई अगर इतनी सामाजिक दृष्टि से प्रॉब्लम है, इतनी धार्मिक दृष्टि से प्रॉब्लम है, इतनी बच्चों को धर्म के लेके प्रॉब्लम है, तो भैया शादी ना करो मेरी हिंदू बहनें। जो मुसलमान बहनें जिनको कोई हिंदू लड़का पसंद है, मैं उनसे भी कह रहा हूं बहनों प्लीज हिंदू लड़के से शादी ना करो, या तो अपना दिमाग खुला रखो। लेकिन अगर आप लोग इतना सेंसिटिव हैं धर्म को लेके, तो हिंदू औरतों से लड़कियों से मेरी प्रार्थना है, मुस्लिम लड़कियों से भी प्रार्थना है, भैया दोस्ती करो, कुलीग रखो, हेल्प करो, कुछ करो। मुसलमान औरतें हिंदू लड़कों से दूर रहो, हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से दूर रहो। पेरेंट्स को भी मैंने पहले कहा था, हिदायत दी थी लड़कियों की काउंसलिंग करिए, क्योंकि ऐसी शादी का फायदा नहीं जहां पूरा आप कागज कलम लेके बैठ जाएं, और अगर आपको धर्म की, समाज की, माता पिता की, बच्चों के धर्म की इतनी फिक्र है, तो आखिरी बार दोहराता हूं भैया हाथ जोड़ूं, डॉक्टर ने नहीं कहा है कि किसी दूसरे धर्म में शादी करो, अपने ही धर्म में शादी करो, सेक्युलरिज्म के लिए दोस्ती करो, सेक्युलरिज्म के लिए पार्टनर बनाओ, जैसे मैंने बना रखे हैं। शादी बहुत ज्यादा पर्सनल अफेयर होता है, अगर आपको अपने दिमाग में धर्म को लेकर प्रश्न चिन्ह है जो होने चाहिए, आत्मसम्मान है जो होना चाहिए, आपके बच्चों का धर्म क्या होगा यह आपके दिल में होना चाहिए, तो आखिरी बार दोहरा रहा हूं भैया हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से दूर रहो, मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़की से दूर रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।